बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आपके साथ। मैं एक वीडियो है जी, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। मैं ये दो तीन दिन पहले मैंने ये वीडियो देखी थी, यानी कि ये न्यूज़ देखी थी। अभी मैं इसकी डिटेल में गया हूँ तो मैंने ये वीडियो भी देखी है। काफ़ी हैरान हुआ हूँ एक वारदात की गई है सऊदी अरब। वैसे तो यहाँ पर आम वारदातें वगैरह हो जाती हैं, लेकिन ये कुछ डिफरेंट मुझे लगी है। इसमें ये एक लड़की शामिल निकली है जी, जो कि गालबन फलस्तीनी बताई जा रही है। हुआ कुछ यूँ है कि पहले तो इन लोगों ने रियाज में मोबाइल चोरी और शॉप वगैरह से या उसके अलावा भी कुछ सामान वगैरह चोरी करते थे। अभी इन ये लड़का है और साथ में एक लड़की है जी, इन्होंने ये सोचा है कि बड़ा हाथ डालते हैं और गाड़ी वगैरह को चोरी करते हैं। जो पीछे गाड़ी खड़ी हुई है गालबन मुझे रेंज रोवर लगती है जी। बहरहाल मुझे कमेंट में बताइएगा अगर आप बेहतर जानते हैं इसके मुतल्लिक कौन सी है। तो ये किसी शोरूम के ऊपर गए हैं, उनसे इन लोगों ने बात की है कि हमने गाड़ी वगैरह खरीदनी है। तो उन लोगों ने इनको गाड़ी दिखाई है, ये गाड़ियाँ आप पसंद करें कौन सी खरीदनी है। ये ट्राई वगैरह ली है, एक की दो की खड़ी की हैं, तीसरी की इसकी ट्राई लेने गए हैं। तो ट्राई क्या होता है आपको पता ही, एक किलोमीटर के अराउंड में आप घूम कर आएँ, गाड़ी वगैरह चेक करें, कोई मुश्किल नहीं होती है। तो जब इन यानी कि इस लड़की और लड़के ने देखा कि इनको हमारे ऊपर एतमाद हो चुका है, दो तीन गाड़ी ट्राई के लिए लेकर गए, वापस लाकर खड़ी की, फिर ये निकाली। जब ये ट्राई के लिए लेकर गए तो फिर वापस नहीं आए हैं। अच्छा, सीसीटीवी कैमरे तो आपको पता ही जगह जगह पर लगे होते हैं। गाड़ी का नंबर वगैरह भी उनके पास मौजूद था उसी टाइम। उन्होंने भाई मरूर वगैरह को 911 और 999 के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं किसी भी मामले को लेकर। कॉल की गई है जी और बाद में जब कार्रवाई की गई है तो इनको सीसीटीवी कैमरे में जो फोटेज वगैरह थी इनकी, उनकी मदद से इनको भाई गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इनको एक फाइन और साथ में लंबे अरसे के लिए जेल में तो रखा जाएगा। लेकिन मैं हैरत ज़्यादा इस बात के ऊपर था कि ये लड़की है जी, बिल्कुल यंग लग रही है और इसका काम ये देखकर मुझे थोड़ी हैरत हुई थी।